पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत सारे बिजली बचत घोटाले देखे हैं। वे अक्सर दावा करते हैं कि आप अपने घर में उनके उपकरणों को प्लग इन करके अपने बिजली बिल को कम या खत्म कर सकते हैं। तथ्य ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप प्लग इन कर सकें जिससे आपका बिजली उपयोग कम हो जाएगा और आपका घरेलू बिजली बिल कम हो जाएगा। इन घोटालों के साथ समस्या यह है कि वे अक्सर सच्चाई के अंश पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि वे विश्वसनीय लगते हैं। उपकरणों के लिए विपणन क्षेत्र उन्हें तकनीकी रूप से सुदृढ़ और उनके दावों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त ये उपकरण अक्सर मुख्यधारा के ऑनलाइन बाजारों और खुदरा विक्रेताओं पर पाए जाते हैं, जिससे उनकी वैधता का आभास बढ़ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वे वैध नहीं हैं। और यदि आप सत्यापित खरीदारों की टिप्पणियां पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से सीखा है कि उपकरण एक घोटाला है। ऐसे ऊर्जा बचत उपकरणों को कई नामों से जाना जाता है और जब ग्राहक ठगा हुआ महसूस करते हैं तो प्रतिक्रिया से बचने के लिए अक्सर नाम भी बदल दिए जाते हैं। इन उपकरणों के कुछ सामान्य उदाहरणों में पावर प्रो सेव और ह्यूनवा पावर सेव शामिल हैं। नाम के बावजूद उन सभी का एक समान दावा है कि यदि आप इनमें से कई उपकरण खरीदते हैं और उन्हें अपने घर के आसपास के आउटलेट में प्लग करते हैं तो वे बिजली को संतुलित या साफ कर देंगे। इस प्रकार आपके पैसे बचेंगे। इस दावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि बचत प्रभाव पर ध्यान देने में समय लगता है, जो संयोग से आपको रिटर्न अवधि से बाहर ले जाता है। और जब आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप डिवाइस से चिपके रह जाते हैं। यहाँ सच्चाई ये है कि ये उपकरण तकनीकी रूप से प्रतिक्रियाशील शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, और जबकि यह शक्ति का एक रूप है, यह वह रूप नहीं है जो आपके घर को गर्म करने, ठंडा करने, प्रकाश देने या संचालित करने के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। इसे वास्तविक शक्ति कहा जाता है, और यह उपकरण आपके बिजली बिल पर कोई पैसा नहीं बचाएंगे। इसका कारण ये है कि CAEC आपको आपके वास्तविक बिजली उपयोग के आधार पर बिल देता है, न कि प्रतिक्रियाशील बिजली के आधार पर। दूसरी सच्चाई ये है कि उपयोगिताएं जैसे CAEC और बड़े औद्योगिक ग्राहक कुल बिजली की इकाइयों में बिजली खरीदते हैं, जिसमें वास्तविक बिजली और प्रतिक्रियाशील बिजली शामिल होती है। इसलिए एक उपयोगिता या बड़े औद्योगिक ग्राहक के लिए प्रतिक्रियाशील बिजली का प्रबंधन करके और पावर फैक्टर में सुधार करके थोक बिजली बिल को कम करना एक वास्तविक लक्ष्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी व्यक्ति अपने घरों में बिजली बिल कैसे कम करता है। इसके बजाय अपने बिजली के उपयोग को कम करने और अपने बिजली बिल को कम करने का तरीका यह है कि जब चीजें उपयोग में न हों तो उन्हें बंद कर दिया जाए या अधिक कुशल उपकरण स्थापित किए जाएं।